तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश हुई, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया है अलर्ट। अचानक बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी दिखी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में देर रात हुई झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में जोरदार बरसात की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखने को मिली। जैसलमेर के रेगिस्तान से आई अनोखी तस्वीर, भारी बारिश की वजह से चारों तरफ नजर आया पानी। जोधपुर के सतलाना में पानी में फंसे 15 लोग, ड्रोन की सहायता से तलाशी के बाद सभी को सुरक्षित बचाया गया। राजस्थान के टोंक में बारिश ने मचाई तबाही, दो दिन की बारिश में पानी पानी हुआ पूरा शहर, कई बांध पानी से लबालब। राजस्थान के टोंक में बाढ़ की वजह से आसपास के जो जगह है वहां पर भी वाटर लॉकिंग की समस्या, सड़कों और खेतों में भी भरा पानी। राजस्थान के पाली में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखे, घरों में भी पानी घुसा, हर जगह जल भराव के कारण लोगों को होना पड़ रहा है परेशान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में क्वारी झील में डूबने से चार युवकों की गई जान, एक को सुरक्षित बचाया गया, झील में नहाने के दौरान हुआ यह हादसा। करगिल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाल बेहाल, सड़कों पर तेज धार में बहता दिखा पानी, मलबा हटाने में जुटी है टीम। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमा हुआ, सड़कों पर बहती दिखी पानी की तेज धारा। वाराणसी में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप, बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, पानी में समाया पूरा 84 घाट। असम के गुवाहाटी में बारिश बन गई है अब मुसीबत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, नाव के जरिए आवाजाही को मजबूर हैं स्थानीय लोग। शिमला के रामपुर में खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मशीनों के जरिए मलबे में लोगों की तलाश कर रही है टीम। झारखंड के हल्द्वानी में उफान पर बरसाती नाले, हाईवे पर आया पानी, तेज बहाव के कारण फंसे पैदल यात्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उत्तराखंड बाढ़ और लैंडस्लाइड के मुद्दे पर गहन मंथन भी हुआ। संसद भवन में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं से की मुलाकात, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का राष्ट्रपति को पत्र लिखा, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी कर संसदीय परंपरा का अपमान किया। दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे, संजय राउत के आवास पर पार्टी सांसदों के साथ की बैठक, कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। अयोध्या सर्किट हाउस में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, श्रीराम मंदिर के निर्माण कार्यों को लेकर ली पूरी जानकारी। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन, राम मंदिर में की पूजा अर्चना, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी किए दर्शन। सीएम योगी ने अयोध्या में 50 ई गोल्फ गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिखाई हरी झंडी, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएगी ये गाड़ी।
रेखा शर्मा ने एनसीडब्ल्यू प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया पर किया ये बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा देखने को मिला, कांग्रेस विधायक मुकेश भागत सदन से 6 महीने के लिए हुए सस्पेंड, कांग्रेस ने लगाया विपक्ष की बात न सुनने का आरोप। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी और जेडीएस का मसूल चलो मार्च, एमयूडीए घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ पैदल यात्रा। टाइम्स स्क्वायर की मेगा स्क्रीन पर नजर आए तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, जल्द हैदराबाद में न्यूयॉर्क बेस्ड एआई कंपनी शुरू करेगी अपना इनोवेशन और डिलीवरी सेंटर। रामेश्वरम के पंबन ब्रिज पर रेलवे ट्रायल सफल, 1 अक्टूबर से ट्रेन सेवा की शुरुआत संभव। उधमपुर में सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में संदिग्ध ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा, धमाके में 2 महिलाएं जख्मी भी हुई। बीएसएफ ने इस साल घुसपैठ की 25 कोशिशों को नाकाम किया, 1 घुसपैठियों को जवानों ने मार गिराए जबकि 24 गिरफ्तार किए गए। दिल्ली कोचिंग हादसे में आरोपी बिल्डिंग के सह मालिकों ने दाखिल की जमानत याचिका, राउज एवेन्यू कोर्ट में कल होगी सुनवाई। नोएडा के मॉल में मारपीट का मामला आया सामने, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज करवाई एफआईआर, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हरियाणा के करनाल में जीजा ने 10 साल की बच्ची को चाकू मार उतारा मौत के घाट, पुलिस को रेलवे ट्रैक पर मिला उसका शव, आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फ्रीजर में दवा की जगह रखी गई बियर, पूरे विभाग में मचा हड़कंप, जांच जारी। बांग्लादेश के हालात पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा जुलाई से जारी हिंसा 4 अगस्त को ज्यादा भड़की, अभी भी बांग्लादेश की हालत चिंताजनक। एस जयशंकर ने कहा शेख हसीना को हटाने की मांग को लेकर हिंसा हुई, इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी जिसके बाद हमने क्लियरेंस दी। विदेश मंत्री ने कहा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, वहां के हालात पर हमारी नजर है। विदेश मंत्री ने कहा बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं जिनमें से 9,000 छात्र हैं, भारतीय समुदाय के संपर्क में हमारा उच्चायोग है। बांग्लादेश के हालात और सीमा की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक हुई, विदेश मंत्री एस एस जयशंकर, एनएसए अजय डोभाल, गृह सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। शेख हसीना को भारत में रहने के लिए कहा गया, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, दूसरे देश में शरण मिलने तक भारत में रह सकेंगी शेख हसीना। सूत्रों से खबर, शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बाहर नहीं आएंगे, एयरबेस के गेस्ट हाउस में ही रहने का इंतजाम, हसीना को कहां जाना है वो खुद तय करेंगे। शेख हसीना को लेकर ब्रिटिश गृह मंत्रालय का भी बयान आया सामने, कहा शरण के लिए यात्रा की इजाजत का नियम नहीं, उस देश में शरण का दावा करें जहां वो सबसे पहले पहुंची है। सूत्रों के हवाले से आई खबर, अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा किया रद्द, अमेरिका के वर्जीनिया में रहते हैं हसीना के बेटे सजीव वाजिद।
शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री रहे डॉक्टर हसन महमूद गिरफ्तार, एयरपोर्ट से महमूद को किया गया अरेस्ट। बांग्लादेश के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जुनैद अहमद को अधिकारियों ने हिरासत में लिया, ढाका एयरपोर्ट से देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे जुनैद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन ने संसद को किया भंग, संसद भंग होते ही अंतरिम सरकार का रास्ता हुआ साफ।